नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च से शुरू होने जा रहे आईपीएल का पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस आमने सामने होगी। चेन्नई की टीम पिछले साल बेहद खराब प्रदर्शन के बाद इस सीजन वापसी की पूरी उम्मीद लेकर मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, इसी बीच चेन्नई के लिए एक अच्छी बात यह है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम का एक खिलाड़ी घातक फॉर्म में चल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक खिलाड़ी इस आईपीएल सीजन में तुरुप का एक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस खिलाड़ी का नाम बताने से पहले आप चैनल पर नए हो, क्रिकेट के फैन या चेन्नई के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के जिस खिलाड़ी की हम बात करें उस खिलाड़ी का नाम है रविंद्र जडेजा। जडेजा ने हाल ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चोट के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर चुके। जडेजा के घुटने की सर्जरी हुई थी। जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 31 मार्च को होने वाले गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले साल जडेजा की कप्तानी टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा था, जिसके बाद उन्हें टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। ऐसे में अब वो अपनी फॉर्म में वापस आने के बाद आईपीएल 2023 धमाल मचाते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जडेजा ने गेंद से खूब बवाल काटा था। टेस्ट सीरीज में रविंद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 टेस्ट मैच में 22 विकेट हासिल किए थे। ये जडेजा की चोट के वापसी करने के बाद पहली सीरीज थी। वनडे सीरीज में भी जडेजा ने पहले मैच में 45, दूसरे मैच में 16 और तीसरे मैच में 18 रन की पारी खेली थी। हालांकि इस सीरीज में वह अपने गेंद से उतने कामयाब नहीं रहे थे, लेकिन इस दौरान उनकी फील्डिंग देखने लायक थी। दोस्तों, जडेजा ने चित्ती के जैसे पूर्ति दिखाते हुए कई अहम कैच पकड़े थे। दोस्तों, चेन्नई की बात करें तो आईपीएल में प्रदर्शन की तो चेन्नई के पास इस सीजन आईपीएल ट्रॉफी जीतकर जीत का पंच लगाने का मौका है। चेन्नई ने अब तक 4 ट्रॉफी जीते है। दोस्तों, चारों की किताब धोनी के कप्तानी में जीते थे। सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने के लिए रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस है, जिन्होंने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। ऐसे में चेन्नई के पास उनके बराबरी करने का मौका है। दोस्तों, आईपीएल में रविंद्र जडेजा ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में राजस्थान रॉयल टीम के साथ की थी, जहां वो विजेता टीम के हिस्सा भी थे। इसके बाद रविंद्र जडेजा कोची टीम के लिए भी खेल चुके हैं। अब वो काफी सालों से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आ रहे। उन्होंने आईपीएल के 210 मैचों में 2500 के रन से ज्यादा बनाए, जबकि उतने ही मैचों में उन्होंने 132 विकेट अपने नाम कर चुके। चलिए दोस्तों, हम देखने वाले कि 31 मार्च रविंद्र जडेजा की बैटिंग कैसी है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हम फिर मिलेंगे अगले। जय हिंद, जय भारत।